डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन दर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन सेवन फोर एंड देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स टू रिमेंबर याद रखें कि जब हम पैसिव लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो देर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड उन डूज एंड डोंट्स में हम ये जान पाएंगे कि व्हेन वी आर इंटरक्टिंग विद अदर पीपल हमारा रद्द अमल वो कैसा होना चाहिए और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना उस मकसद के लिए कोई भी शख्स अपना रद्द अमल क्यों शो कर रहा है और उसके पीछे रीजन एंड लॉजिक क्या है ऑब्वियसली उसकी साइको डायनामिक डिवेलपमेंट से लेकर हालात और वाकत के तकाजे ये सब चीजें लोगों के रिएक्शन को कॉल वो करते हैं देयर नीड्स प्रोबेबली मेट और यह भी हो सकता है कि उनकी जरूरतें पूरी ना हुई हो और इस वजह से वो एक सर्टन तरीके से सर्टन अंदाज में वो रिएक्ट कर रहे हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमिनाज द सेकेंड थिंगबर विच इज दार्ट ऑफ डू इज फोकस ऑन द मैसेज योर कोलीग इज ट्राइंग टू कन्वे ओके आपको यह देखना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसने किस अंदाज में बात को पेश किया उसके अल्फाज क्या थे उसका मतलब क्या बन रहा है और उसने ऐसा क्यों किया उससे आपको नजर हो पाएगा कि आपका कोलीग किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और आपको उसका रद्दअमल क्या शो करना है इवन इफ देयर डिलीवरी इज मिसडेड और यह भी हो सकता है कि वक्ती तौर पर उसको अंदाजा ना हो कि हमें कैसे डेवेलप करना है लेकिन आप जब रीजन एंड लॉजिक्स को समझना शुरू कर दोगे तो उस वक्त आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा आपको यह भी देखना है कि आपका रोल क्या था आपका अमल क्या था और आप वहां पर कितने मददगार वो साबित हो रहे हो बिकॉज अगर आप अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में इवेलुएट नहीं करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा यह जानना कि दूसरे शख्स ने भी ये रिएक्शन वो क्यों पेश किया नाउ देर सर्टन डोंट्स विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट उसमें हमारे पास फर्स्ट डोंट ये है कि डोंट लूज योर कूल कूल माइंड आप अपने माइंड cool को लूज नहीं करें बिकॉज अगर आप अपनी आर एंड नर्व को छोड़ देंगे आप अगर खुद फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उससे सिचुएशन टैकल नहीं हो पाएगी एड्रेस द अंडरलाइन बिजनेस इश्यूज इन ए काम मैटर ऑफ फैक्ट वे आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका रिएक्शन कैसा है क्यों है और आप उसको किस तरीके से मजीद बेहतर वो बना सकते हो रीजंस लॉजिक्स एक्सप्लेनेशंस एलेबोरेशन ये चीजें आपको हेल्प करती हैं सो यू डोंट नीड टू लूज योर कूल माइंड द सेकंड डोंट इज एक्सेस द पर्सन ऑफ एक्टिंग पैसिव एग्रेसिवली दैट विल ओनली मेक द मैटर कि आप उस शख्स से रता करो जो कि पैसिव एग्रेसिव ऑलरेडी है

टैकल करते हुए लोगों के बर्ताव उनके साइकोडायनामिक साइकोडिकस्पेक्टिव को वो तब्दील नहीं कर सकते और हमारा मकसद भी लोगों की पर्सनैलिटीज एंड बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशन नहीं है हमारा मेन मकसद वहां पर काम का यह है कि हम काम को पाए तकमील तक वो पहुंचाएं ऑब्जेक्टिव अचीव करें टूवर्ड्स और टूवर्ड्स मूवमेंट टूवर्ड्स अवर मिशन एंड विजन सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रादर दैन कि हम लोगों की कुरेक्शन के अंदर वक्त गुजार दें उनकी पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जदोजहद वो शुरू कर दें सो डोंट डू दैट थिंग देयर फोर द प्रिंसिपल टू रिमेंबर इज कि डोंट अज्यूम यू कैन चेंज योर कोलीग्स बिहेवियर कैन ऑनली डील बिहेवियर इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर डर स्टूडेंट्स वी हैव गॉन थ्रू द डूज एंड डोंट्स एंड वी नीड टू सी कहां पर हमें क्या रद्दअमल शो करना है और किस से इज्तनाब करना है अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने से एक लीडर के रोल में जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कहीं हमारी कोई बात उनके एग्रेशन को ट्रिगर वो ना कर दे So we have to be motivating. We have to be empathetic, and we need to put ourselves in others' shoe to understand. कि uskara Thank you.